दोस्तों जानवरों का भी बुरा दिन होता है, जैसे कि हम इंसानों का होता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हम खुद ही अपनी मदद कर लेते हैं, लेकिन इन बेचारों को अपनी मदद के लिए किसी सहारे की जरूरत होती है। और आज हम आपको ऐसे ही कुछ जानवरों के बारे में बताएंगे जिन्हें इंसानों की मदद की जरूरत पड़ गई। इसीलिए इस वीडियो को देख आपको काफी मजा आएगा, तो पूरी जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट। बेचारी बर्ड्स की हालत तो देखो, ऐसा लग रहा है कि इनको फांसी की सजा सुनाई गई है, क्योंकि ये बेचारी इस तरह से इन लकड़ियों के बीच में फंस गई। और ऐसे में शिकारियों के लिए इनको खाना बेहद आसान है। लेकिन वहाँ के एक शख्स ने दरियादिली दिखाई और इनको आजाद किया। इससे दूसरे लोगों को भी कुछ सीखना चाहिए। अब इस कुत्ते की हालत देख आप इमोशनल तो हो ही जाओगे, क्योंकि इस बेचारे ने कुछ जहरीला खा लिया जिस वजह से इसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। लेकिन थैंक्स फॉर दिस ह्यूमन, इन्होंने सही वक्त पर आकर उसे उस जहर का एंटीडोट दिया और अपने घर ले जाकर इसकी केयर की। अब ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ खुदाई करते वक्त लोगों को कुछ अजीब देखने को मिला। यहाँ अंदर एक भालू था, लगता है बेचारा सांस भी नहीं ले पा रहा था। लेकिन भगवान का शुक्र है कि बेचारे की जान बच गई और वहाँ से निकलकर सीधे जंगल की ओर भाग गया। इस माँ की मोहब्बत को देखिए जो शायद किसी वजह से मर गई, लेकिन मरने के बाद भी अपने बच्चे को अपने पंखों में प्रोटेक्ट किए हुए है। अब इस बच्चे ने अपनी माँ को तो खो दिया, लेकिन अब इसे शायद एक नई माँ मिल गई। इसके प्यार के लिए एक लाइक जरूर करना। वही रशियन वीडियो में ये डॉगी बर्फ में जम गया और शायद मर ही जाए, लेकिन भगवान किसी न किसी को आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रखते हैं। यहाँ ये दिलेर लड़का आगे आया और अपनी खुद की जान को दांव पर लगाकर इसकी जान बचाई। यहाँ ये बेबस माँ अपने बच्चे को दो दिन से एक दलदल से निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन नाकाम थी। लेकिन जैसे मैंने कहा, भगवान ने इनके लिए भी किसी को भेजा और इन लोगों से उसने मदद की गुहार लगाई और आखिरकार इस बच्चे को बचा लिया गया और इसकी माँ काफी ज्यादा खुश हुई। अब ये भालू का बच्चा बेचारा बहुत बुरी तरह से इस लोहे के तार में फंस गया, लेकिन इस जवान ने अपनी जान को खतरे में डालकर इसे वहाँ से निकाल दिया। देखो कैसे बदमाशों की तरह उछल रहा है। पानी के अंदर भी जानवर इंसानों की बेवकूफी की वजह से मुसीबत में फंस जाते हैं। इस डॉल्फिन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। फिशिंग हुक इसके पंख में फंसा था और ये मदद की तलाश कर रही थी। तभी एक डाइवर की नजर इस पर पड़ी, जिसने अपनी 10 मिनट की बची हुई ऑक्सीजन इसकी मदद करने में खर्च कर दी। वहीं ये भेड़िया पानी के किनारे काफी देर से फंसा हुआ था, शायद इसे मौत के दर्शन हो गए थे। लेकिन वहाँ खड़े कुछ इंसानों ने इसे वहाँ से निकाला और बिल्कुल किसी इंसान की तरह ही इसे ट्रीटमेंट दिया, इस वजह से इस भेड़िए की जान बच गई। घर में आग लगने के बाद इस बिल्ली का मर जाना तय था, लेकिन इसकी मालिक रेस्क्यूअर से इसकी जान बचाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करने लगी और फिर इसे ट्रीटमेंट दिया गया, जिससे इस प्यारी सी बिल्ली की जान बच गई। उसके बाद इसके मालिक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस महिला का चेहरा ये बता रहा है कि पालतू जानवर सिर्फ जानवर नहीं होते, वो हमारे घर के एक सदस्य भी होते हैं। अब ये बेचारी यहाँ बिल्ली फंसे हुए किसी इंसान की मदद की तलाश में है और ये वहाँ से निकल भी गई। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद भी इसे इलाज की जरूरत थी, क्योंकि जब ये अपनी माँ के पास गई तब वो भी किसी से मदद की गुहार लगाने की सोच रही होगी और मालिक ने इसकी सुन ली। किसी इंसान ने इस पैरालाइज्ड बिल्ली को बिल्कुल ठीक कर दिया। इस बेबी डियर ने अपने परिवार को बाढ़ आने की वजह से खो दिया, लेकिन देखिए भगवान ने इसके लिए नए माता पिता को भेज दिया। दोस्तों ये सच है कि जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से इंसानों को मदद के लिए बुला ही लेते हैं। अब ये सी लाइन इंसानों के ही आसपास काफी देर से तैर रहा था, तब इंसान समझ गए कि इसे मदद की जरूरत है और इसे तुरंत अपने पास खींचकर इसके गले में फंसा हुआ लोहे का तार निकाला, जिसकी वजह से इसका गला चोक था, वो भी इंसानों की वजह से। खैर इसकी जान तो बच गई, इंसान तो कचरा फैलाने से मानेंगे ही नहीं। ये बेचारी नन्ही सी जान इस गाड़ी के टायर के नीचे बैठ गई, लेकिन शायद उसने सही ड्राइवर से मदद मांगी, क्योंकि पहले तो उसने इसे पानी से ठंडक की और इसे पानी पिलाया और फिर एसी में इसने ठंडक का मजा लिया। यहाँ भी ये प्यारी सी चिड़िया पानी में फंस गई, इसे वहाँ से निकाला गया और इस आदमी ने उसे खिलाया पिलाया तो ये तुरंत उसकी प्यारी दुलारी बन गई और इसे अपने घर जाने के लिए इसने आजाद कर दिया।
वही ये पानी में फंसा हुआ कुत्ता वहाँ भटक भटक कर ये देख रहा है कि यहाँ से निकल सकता है कि नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसे कोई रास्ता नहीं दिखा जहाँ से वो लोग निकल सके। फिर इस अंकल ने इसे वहाँ से खुद निकाला और इसकी मदद की। बाढ़ आने की वजह से हमेशा ही जानवर मुसीबत में फंस जाते हैं। यहाँ इस जगह भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ टेक्सास में घोड़े बाढ़ के पानी में फंस गए और इन्हें मदद की जरूरत थी। 7 घोड़े बुरी तरह से पानी में फंसे हुए थे और लाइफ बोट की मदद से इन्हें निकाला गया। एक घोड़ा काफी ज्यादा घबराया हुआ था, लेकिन इस इंसान ने उसे अपने साथ जमीन तक पहुंचाया। ऐसे इंसान हर जगह हो तो क्या बात है। इस सी लाइन के पास इंसानों द्वारा फेंके गए कचरे से निकलने का कोई चांस नहीं था। मजबूरी में उसे उन्हें इंसानों की मदद मांगनी पड़ी जिनकी वजह से वो फंस गया था। लेकिन हर इंसान एक जैसे नहीं होते और इन्होंने इसे सावधानी से वहाँ से आजाद किया। अब इस बेचारे को देखो, जिसके पास तो 2 पैर ही नहीं, शायद किसी इंसान की वजह से ही इसकी ये हालत हुई। इसलिए शायद इंसानों के हाथ लगाने से उसका मूड खराब हो रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, हर इंसान बुरा नहीं होता। और अब देखो क्या बेहतरीन अपडेट हुआ इसके पैरों का, ये तो चलती फिरती 4 व्हीलर गाड़ी बन गया। ये बेचारा डॉगी बर्फ में जमकर फंस गया, लेकिन इसका रिएक्शन देख ऐसा लग रहा है कि इसे किसी इंसान की जरूरत है। लेकिन हर इंसान एक जैसे नहीं होते। इसके गुस्सा होने के बावजूद भी इसे वहाँ से सेफली निकाल लिया गया। यहाँ ये छोटी सी चिड़िया इस कुत्ते के साथ वाली महिला का पीछा काफी देर से कर रही थी। शायद इसे कुछ चाहिए था और इसके हाथ में कुत्ता देख ये समझ चुकी थी कि इस औरत को जानवरों से प्यार है और इसी वजह से इसके पास आई। शायद ये प्यासी थी इसलिए इस महिला ने इसे पानी पिलाया, तब जाकर वो खुश हुई। यहाँ सुन रहे हो कि कितने लोग इस छोटे से हिरन के बच्चे को डूबता देख हंस रहे हैं, लेकिन इस इंसान ने हिम्मत दिखाई और पानी में जाकर इस बेचारी की जान बचाई। इसे कहते हैं असली मर्द। रूस की ठंड जमा देने वाली होती है और ये वीडियो इस बात का सबूत है कि कैसे ये बर्ड लोहे के पाइप पर जम गई और वो भी नहीं पा रही थी। लेकिन इस इंसान ने अपने मुंह की गर्मी से इसके पैर को गर्म करके इसकी जान को बचाया। यहाँ ये मछली भी पानी के बाहर आ गई और अपने परिवार से बिछड़ गई, लेकिन इंसानों ने इसे वापस से मेहनत करके पानी में फेंका जिससे उसकी जान भी बच गई और फैमिली भी मिली गई होगी। अब ये भालू पता नहीं पानी में कहाँ से आ गया और बोट पर लटक कर मदद मांग रहा है, लेकिन उसे ऊपर लेना खतरा था क्योंकि वो भूखा था और किसी को काट भी सकता था। लेकिन इंसानों ने उसका भी जुगाड़ निकाल लिया और आराम से इसे किनारे तक भी पहुंचा दिया। अब ये गिलहरी इंसानों के पास घूम रही है, ऐसा लग रहा है कि इसे कुछ चाहिए और जैसे ही इसे पानी दिखाया तो पानी पीने लगी, शायद बुरी तरह से प्यासी थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।